अच्छा पहले पहले हमने मंगवाया था चिकन चिकन कीमे का और अब मंगवाया बीफ कीमे का, और उसके अंदर आप चिकन वो बीफ चेक करें। ओए होए होए ये करवाती है चर्च बड़ा चर्च सर ये चर्च है। चलो जी पी के सो जाओ। अस्सलाम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बाय राना खलील। तो भाई जान अभी टाइम होने वाला है 1:45 और सैरी का करने का प्लान है, और अभी हम सैरी करने जा रहे हैं अंदरून लाहौर। तो बस अभी चलते हैं और अंदरून लाहौर जाके आपको बताते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। तो जैसे हम घर से निकले तो रास्ते में से पार्लियामेंट हाउस आया, और वहाँ से होते हुए हम सीधा चले गए लक्ष्मी चौक। पुराने जमाने का वो घर देखा जहाँ पे इंडियन लोग हैं वो बैठ के अपनी दावत किया करते थे। ग्वाल मंडी में आके देखा तो वहाँ पे भी रश अच्छा खासा था, और वहाँ पे हमारा जहन बन गया चने और हलीम खाने का। लेकिन जैसे चनों की शक्ल देखी तो मेरा वहाँ से दिल डगमग हो गया। वहाँ से सोचा कि क्यों ना हम यू टर्न लें और वापस जाके सीधा पहुंचे मजंग। तो मजंग करतवा चौक घंटा घर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैठे हैं माशाल्लाह पराठे वाले, और वहाँ पे आके फिर हमने जनाब पराठों का दीदार किया। आप देख रहे हैं कि आज हम आए हैं सैरी करने, मैं हूँ, मेरे साथ खान साहब हैं। तो भाई जान आप अगर आपको मैं बैग पे दिखाऊँ, खान साहब भी दिखाओ। अब अगर आप बैग पे देखें तो आप रश चेक करें यहाँ पे। ये जी मजंग के मशहूर पराठे वाले हैं, यहाँ पे दो थे माशाल्लाह वाले, हमें डिसाइड मतलब मुझे तो नहीं पता था, लेकिन खैर हम जो पुराने वाले हैं उनके पास बैठे हैं। और ये जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट घंटा घर के नीचे है करतवा चौक, ये कटवा चौक का घंटा घर है। अच्छा रश मुझे उस साइड पे ज्यादा लग रहा है। नहीं रश है इस साइड पे। हाँ हाँ रश उस साइड पे भी ज्यादा है। ये पुरानी शॉप है जी माशाल्लाह, मजंग का पराठा मशहूर है। इनके पास पराठे की तकरीबन बहुत ज्यादा वैरायटी है, मैंने आपको जिस तरह बता दिया है, आलू वाला, चिकन वाला, अंडे वाला, हर पराठा है। इन्होंने कुछ पराठे बना के भी यहाँ पे रखे हुए हैं। पराठे आप लाइव खाएंगे जो पहले से बने पड़े हैं वो लेके आएंगे? ठीक है मैं आपके साथ आता हूँ फिर। ठीक है मैं आपके साथ चले आपको स्पेशल आपके लिए। चलें जी भाई साहब कह रहे हैं कि आपको स्पेशल पराठे लगवा के देंगे, चलें आ जाए। हाँ सर मैं जरा पराठे बनवा लूँ। अच्छा यहाँ पे भाई ने बताया कि इस साइड पे सिर्फ लग रहे हैं सादे पराठे। ये अंडे अंडा पराठा, ये अंडा पराठा है ठीक है, और चिकन पराठे से लग रहे हैं वो दूसरी साइड पे। आप यहाँ पे रश चेक कर सकते हैं, फुल टाइम ही रश हो गया। अच्छा यहाँ पे इनका मटेरियल पड़ा हुआ है, ये आलू है, वो साइड पे चिकन है, इस साइड पे सादे पराठे लग रहे हैं, वो सामने पड़ा हुआ है साइड पे अगर कीमा शीमा है तो वो साइड है, कीमो वाली साइड वो पड़ी हुई है सारी। ये चिकन पराठे लग रहे हैं भाई जान, ये आलू लग रहे हैं, चिकन इधर लग रहे हैं। अच्छा ये आलू चिकन वाले वो हैं। अच्छा यहाँ पे मतलब कि इतने ज़्यादा वो हैं सवे सवे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे सादा है कहाँ पे आलू है कहाँ पे चिकन है, सादा लगे हुए हैं। मैं पहले आलू भी चला गया था, और ये है जी चिकन पराठे वाला, चीज़ वाला अली दो चिकन चीज़ हम दे देंगे यार, मैं हम लड़ा नहीं भैया पहले लगे नहीं यार आप इनकी आपस में लड़ाई भी हो रही है, और जो वेटर आ रहे हैं रश इतना ज़्यादा है कि वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि मैंने ले जाना पहले, मैंने ले जाना अपने कस्टमर के लिए। तो माशाल्लाह यहाँ पे रश भी फुल टाइम लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे जो भाई जान है उनसे अभी हमारी बात हुई है, तो वो बताएंगे ये कितने साल पुरानी है आपकी शॉप है? इस वक्त में आया था 1998 में, तो उस वक्त हमारे सेठ के सेठ अकरम साहब अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, तो वो बताते थे कि उनके वालद साहब ने ये काम शुरू किया था 67 और 8 के दरमियान में। तो ये इतनी पुरानी दुकान है, मुझे इधर काम करते हुए तकरीबन 25 साल हो गए। मेरा नाम आतिफ खान है, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। चले बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। अच्छा तो भाईजान ये अभी बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा पुरानी शॉप है इनकी काफ़ी, और यहाँ पे रश से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रश की सूरत हाल है यहाँ पे। ये साइड पे सादे पराठे लग रहे हैं, सादा पराठा और अंडा पराठा। हमने ऑर्डर कर दिया, जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है फिर हम देखते हैं बाबा जी क्या सीन बनता है। ओए होए होए शक्ल तो बड़ी खुश शक्ल लग रही है इनकी पराठों की, और अभी जो है खाने में इसका टेस्ट कैसा होगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये है कि देखने में माशाल्लाह बड़े कोई खूबसूरत लग रहे हैं पराठे। ओए होए अच्छा इस तरह कि जैसे आप कोई नान की जितना मोटा होता है उतना मोटा ये पराठा है, देख के मुंह में सही पानी आ रहा है कि पराठा क्या लेवल का होगा अभी, क्योंकि वैसे बाहर का पराठा इतना नॉर्मल खाया नहीं जाता, लेकिन ये है कि इसको देख के लग रहा है कि ये बंदा इजीली खा लेगा।
ओए 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 जबरदस्त। अच्छा इसमें ये है कि चिकन चीज़ भी था, जब हमने ये मैंने मतलब कि ये ऑर्डर कर दिया तो उसके बाद पता चला कि इसमें चीज़ पराठा भी है। तो ओए ओए अच्छा इसके अंदर चिकन उन्होंने सही कूट कूट के भरा हुआ है। टाइम तकरीबन 3:20 होने वाले हैं और यहाँ पे अभी तक इतना रश है कि आप देखें, अगर मैं आपको बैक पे दिखाऊं तो ये रश मुझे शहरी की आखिरी उस अजान तक रहता है यहाँ पे। और ये चिकन जो पराठा था इसके अंदर इतना को मसाला है ना स्पाइसी था, मैं कहता हूँ अगर ये आप गौर करें चसी करा दिया इस पराठे। और इनकी ये स्पेशल की चटनी है। अच्छा पहले हमने मंगवाया था चिकन कीमे का और अब मंगवाया बीफ कीमे का। और इसके अंदर आप चिकन वो बीफ चेक करें, ओए होए होए क्या मोटी मोटी इसकी लेयर्स हैं। तो ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार होगा। आप इसकी जरूरत और करना शुरू टूट जा। अच्छा ये मतलब इतना वो है जूसी था कि थोड़ा इतना टूटने भी टाइम लिया है। क्या बाइट है इसकी। बीफ से अच्छा इनका ज्यादा सॉरी चिकन से अच्छा इनका ये बीफ का था। ये बीफ की मैं बीफ वाला पराठा इनका ज्यादा मजे का। अलहमदिल्ला जी कड़े छड़े तो हमने खा लिए थे, कुछ बड़े ही मज़ेदार थे। तो बस अभी हम जा रहे हैं लस्सी पीने और जानती बुहार का ये आपको साथ है। ये क्या साथ अचार है कि क्या भिंडी का सालन है। सालन है अच्छा सालन घर से बना के लाए हैं। अच्छा खाने के लिए सारी करेंगे माशाल्लाह जबरदस्त। हमें पता नहीं क्या है ठीक है, ये इन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ था यहाँ पे। तो बस अभी हम जा रहे हैं जरा लस्सी लुस्सी पीने, दिखाते हैं आपको यहाँ पे जबरदस्त लस्सी का भी वगैरह स्वैग है। और लस्सी पे आप रश चेक करें, टाइम 4:15 होने वाले हैं और यहाँ पे रश लस्सी पे फुल टाइम लगा हुआ है। और इनकी लस्सी भी कमाल की। ये जी हमारा टोकन और यहाँ पे रश अभी लस्सी यहाँ पे हमारी तैयार हो रही है जी लस्सी। भाई जान दो इधर ही मलाई डाल दीजिए। अच्छा लस्सी के ऊपर ये मलाई की जो लेयर है ना आपको सही चर्स तो ये करवाती है। चर्स पढ़ो चर्स ये चर्स है। चलो जी पी के सो जाओ। अच्छा लस्सी पीछे भी थी प्राणों के साथ भी लस्सी थी लेकिन उनकी लस्सी इतना मतलब कि देखने में मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ये लस्सी क्योंकि मैंने पहले भी पी हुई है। उसके ऊपर आप मलाई की लेयर चेक करें कैसी लगी है पी के ज़बरदस्त। तो इस वजह से बात करें लस्सी नहीं पी लस्सी का असल टेस्ट इधर था। टाइम तकरीबन 4:15 हो चुके हैं और ये कि पहली बार तकरीबन ऑर्डरी पूरी हो चुकी है। और कुछ खाना पीना है मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लस्सी को एंजॉय कर रहे हैं। बस ये कि इस लोग को हम यही एंड कर रहे हैं अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।